वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं गांव में ही जा रहे हैं करवा चौथ का व्रत पूजने के लिए। खैर हमारा तो नहीं है पर हमारी मामी जी और भाभी जी लोगों का है। और ये देख सकते हैं आप सभी लोग, ये नीचे को जा रहे हैं, आप गेट से नीचे को। और ये मेरे भाई बहन हैं पीछे से आ रहे हैं जो, तो दिखाते हैं आपको करवा चौथ में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो यह है हमारी हरमा मामी जी करवा चौथ का व्रत पूजने के लिए जा रही है नीचे मामी लोगों के घर पे। मामी जी कैसा फील हो रहा आपको? हमको तो अच्छा फील हो रहा है क्योंकि साल में एक बार आता है व्रत, अच्छा ही फील होता है। ओह माय गॉड। और उम्मीद करती हूँ कि सब इसी प्रकार व्रत लें, जितने भी हमारे गांव में बहू बेटियाँ, भगवान उनकी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और हमेशा यही राज खुशी के साथ, हमेशा ये दिन हमारा हमेशा आए। ओके ओके थैंक यू। ये है हमारी पारोदी। और कैसा लग रहा है आपको व्रत लेके? अच्छा लग रहा है। भूख भी लग रही है? नहीं नहीं भूख नहीं लग रही। तब तो ठीक है, चलो फिर चलते। तो गाइस फाइनली अभी हम मामी लोगों के घर पे जा रहे हैं। ये है मामी जी और मेरी मामी जी तैयार हो चुके हैं। हो तो गए ये है हमारी करवा चौथ की महिलाएं। तो अभी यहाँ पर मामी जी लोग पूजा की तैयारी करते हुए, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। तो गाइस ये मेरा छोटा भाई ब्लॉगर, अभी हम दो ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस फाइनली पूजा की तैयारी हो चुकी है और अभी थोड़ी देर बाद मामी जी किताब पढ़ेंगी। अभी मिठाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः हमारी प्रसादी कट रही है अभी, हम सब लोग प्रसादी खाएंगे अभी। ये
प्रसादी कैसा लग रहा है? मेरे पूरी में मिठू लगी है। मैं से ले लियो ये अखियां करे जी हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी। हमारे गांव के दो फुर्की तो गाइस देख सकते हो शूटिंग हो रही है अभी नाता पहन के। ये देखो आज बड़ा फुर्सत से मेकअप कर रहा चांद देखने का समय आ चुका है और चांद ऊपर से आ चुका है तो अभी भाभी जी लोग तैयारी कर रहे हैं देख सकते हैं आप। भाभी जी कपल करवा चौथ देख सकते हैं भाभी का करवा चौथ का व्रत। भैया जी नहीं आए हैं छुट्टी नहीं मिली है भैया को क्योंकि भैया जी बहुत अच्छी नौकरी करते हैं वो अभी नौकरी में जा रहे हैं तो दिखाई भी दे रखा ले। ओ बल पानी की हुलाक पानी की हुलाक। तो दोस्तों अभी फाइनली चांद आ चुका है तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 11 और चांद पहाड़ों में इतने ही लेट आते हैं तो फाइनली अभी भाभी जी का व्रत संपन्न होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें धन्यवाद। लोग व्रत पूज के आ गए हैं अपना व्रत तोड़ लिया है इन लोगों ने करवा चौथ संपन्न हुआ है इन लोगों का।